Raheem assalamu alaikum dear students class 4 hopefully you all are doing well this is your maths wise book and i welcome you all in your online maths class in this video we will start unit number 2 so open book page number 7 ok unit number 2 numbers and arithmetic operation students unit number 2 is very important unit because in this unit you, uh, you will learn about bigger numbers

स्टूडेंट्स लर्न एरेथमेटिक कॉपरेशन विथ बिगर नंबर यानी आप एरेथमेटिक कॉपरेशन करोगे विथ बिगर नंबर पहले आपने स्मॉल नंबर्स के साथ किए थे क्लास फोर में आप बिगर नंबर के साथ इन्हीं ऑपरेशन को रिवाइज करोगे सो लेट स्टार्ट ओपन नेक्स्ट पेज रिमेंबरिंग न्यूमेरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स न्यूमेरल्स बच्चों जीरो से लेकर नाइन तक के जो नंबर्स हैं इनको न्यूमरल्स कहा जाता है ठीक है इसकी मदद से आप कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं ठीक है सो ये एक एग्जाम्पल आपको दी गई है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है ठीक है जिसमें थ्री थ्री नंबर्स को ग्रुप किया जाता है फर्स्ट नंबर यूनिट कहलाता है टेन हंड्रेड देन थाउजेंड वाला ग्रुप होता है थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड लुबना राइट द नंबर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोटीन हाउ शुड शी रीड इट यानी वो उसको कैसे पढ़ेगी ठीक है तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में भी दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है और एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को पुट करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट डिजिट है मेरा लेफ्ट साइड से वो किस कॉलम में आता है तो ये हंड्रेड थाउजेंड है यानी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थ्री थाउजेंड ये तीनों थाउजेंड है हंड्रेड एट हंड्रेड एंड फोर्टीन वील डू एक्सरसाइज नंबर वन इन आवर बुक सो आंसर द फॉलोइंग नंबर वन है विच नंबर है टेन थाउजेंड प्लेस आपको तीन नंबर गिवन है आपने बताना है कि फोर डिजिट जो है वो किस नंबर के टेन थाउजेंड कॉलम में है टेन थाउजेंड कॉलम जो है वो हमारा फिफ्थ नंबर होता है ठीक है वन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ टेन थाउजेंड तो अगर फोर डिजिट जो है वो नंबर में फ्रॉम राइट फिफ्थ नंबर पे हो तो वो हमारा टेन थाउजेंड के प्लेस पर होगा वन टू थ्री फोर फिफ्थ यहां पर फोर जो है ये टेन थाउजेंड के प्लेस पर है ठीक है वन टू थ्री फोर फिफ्थ यहां पे नहीं है वन टू थ्री फोर फिफ्थ यहां पर फोर जो है वो टेन थाउजेंड के कॉलम में है तो इन दोनों को टिक करें और सेकेंड वन जो है वो क्रॉस है गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 561 एंड 97। सेवन एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मालूम है कि कैसे करनी है आपने लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट लेना है फाइव ठीक है और उसके राइट साइड पर जितने नंबर है उनकी जगह पुट करना है जीरो सो फाइव हंड्रेड प्लस सेकेंड डिजिट है सिक्स फिर उसके साथ फोर टाइम ज़ीरो लगेगा थर्ड डिजिट हमारे पास है वन वन ले लिया उसके पास उसके साथ जो है थ्री जीरो लगेंगे देन नाइन्टी एंड प्लस सेवन ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर थ्री राइट इन वर्ड्स फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवन यानी इस डिजिट को इस नंबर को आपने लिखना है वर्ड्स में ठीक है फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवन नंबर फोर वट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टीन थ्री जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू आपने बतानी है तो आप यहां से काउंट करोगे वन टेन हंड्रेड थाउजेंड तो थ्री जो है वो थाउजेंड के प्लेस पर है नंबर फिफ्थ राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म सिक्स हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड सिक्स एट टू फाइव हंड्रेड एंड एलेवन ठीक है सो ये सिक्स डिजिट नंबर है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह नॉर्मली नंबर लिखा जाता है ठीक है इसको आपने ऐसे करना लिखना है सिक्स हंड्रेड एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इलेवन टेक अ कैलकुलेटर एंड एंटर द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप लार्जेस्ट नंबर जो है वो एंटर करोगे जो कि सिक्स डिजिट हो स्टूडेंट्स जब भी आपसे कहा जाए कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपने एंटर करना है तो आपने नाइन को रिपीट करना है सिक्स टाइम्स ठीक है अगर फाइव डिजिट कहा जाए तो फाइव टाइम नाइन को रिपीट करें फोर डिजिट कहा जाए तो फोर टाइम नाइन को रिपीट करें तो वो लार्जेस्ट नंबर होता है उस डिजिट में ठीक है अब हमसे कहा है कि सिक्स डिजिट नंबर आपने करना है तो आपने सिक्स टाइम नाइन को लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वर्थ प्लेस विल यू वोल्ड द फर्स्ट डिजिट इंटेड ऑन द कैलकुलेटर होल्ड यानी आपने जो फर्स्ट टाइम नाइन एंटर किया जो कि हमारा फिर लेफ्ट साइड पे आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है ये है यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड तो सिक्स नंबर पे जो नंबर होता है जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है हंड्रेड थाउजेंड ठीक है यानी हम इसको पढ़ेंगे नाइन हंड्रेड थाउजेंड ओके थिंकिंग इवन बिगर अब हम सिक्स डिजिट से बड़े डिजिट्स की तरफ जाएंगे यानी बड़े नंबर्स की तरफ सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो सेवन्थ नंबर पे कॉलम आता है उसको मिलियन पढ़ते हैं ठीक है यानी फर्स्ट थ्री जो है वो यूनिट पीरियड होता है इसमें यूनिट टेन 10 और हंड्रेड आता है सेकेंड जो थ्री को ग्रुप किया जाता है वो थाउजेंड पीरियड होता है थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड देन जो हमारे पास थ्री डिजिट्स आएंगे तो उसमें मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन स्टूडेंट्स रिमेंबर के इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है उसमें थ्री थ्री नंबर्स को ग्रुप किया जाता है और हंड्रेड रिपीट होता है जबकि पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में हम हंड्रेड को रिपीट नहीं करते ठीक है जबकि यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड थाउजेंड भी है फिर मिलियन में भी हमारे पास हंड्रेड मिलियन आता है तो अब हमारे पास ये नंबर है सो so, इस इनके डिजिट्स के नंबर है नाइन ठीक है यानी नाइन पे जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम पढ़ते हैं हंड्रेड मिलियन से यहाँ पर ये नंबर हम पढ़ेंगे सिक्स हंड्रेड एटी नाइन मिलियन ये तीनों मिलियन के ग्रुप में है सिक्स हंड्रेड एटी नाइन मिलियन थ्री हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इन आवर नोट टिल दैन टेक केयर इन अला हाफिज़